Hey guys, what's up? So here we will see some more sentence in the English, right? So यहाँ पे कुछ और नया sentence हम लोग सीखेंगे. Let's say कि आपको किसी से पूछना है कि किसी आदमी का नेटिव कहाँ पे है, मतलब वो कहाँ से बिलोंग करता है. So these are the questions you can ask. If you are able to ask anyone questions, which means you can know about that person, where he belongs to. So the first questions can be, where are you from? तुम कहाँ से हो. वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो. वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम किस जगह से आते हो. वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम किस जगह से आते हो. विच इज़ योर नेटिव टाउन, तुम्हारा नेटिव प्लेस क्या है. यू आर ए नेटिव ऑफ विच टाउन, तुम्हारा कौन सा नेटिव जगह है. यू बिलोंग टू विच प्लेस, तुम किस जगह से हो. सो इफ़ यू आर एबल टू आस्क एनी वन क्वेश्चन, विच मीन्स यू विल कम टू नो अबाउट दैट पर्सन नेटिव, आई मीन अबाउट दैट पर्सन नेटिव प्लेस, राइट. सो आप एक भी यदि पूछ लेते हैं, इट विल सर्व योर पर्पस, उससे आपका काम निकल जाएगा. सो यदि कोई आपसे पूछ रहा है तो यू कैन गिव अ आंसर इन सच ए वे दैट आई एम फ्रॉम बिहार. यू कैन से दैट कि मैं बिहार से हूँ. आई कम फ्रॉम मुजफ्फरपुर. यू कैन ऑल्सो से दैट कि मैं मुजफ्फरपुर से आता हूँ. आई बिलोंग टू बिहार, मतलब मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ. आई एम नेटिव ऑफ बिहार, मेरा घर बिहार में है. माई नेटिव प्लेस इज़ बिहार, माई जो मेरा नेटिव प्लेस है, जो मेरा घर है वो बिहार है, राइट. सो यू कैन गिव दिस मेनी आंसर्स. आई एम फ्रॉम बिहार, आई कम फ्रॉम मुजफ्फरपुर, आई बिलोंग टू बिहार, आई एम नेटिव ऑफ बिहार, माई नेटिव प्लेस इज़ बिहार. सो एनी वन क्वेश्चन विल बी गुड हियर, राइट. यू कैन एबल टू कॉम्युनिकेट इफ समबडी विल आस्क यू वेयर आर यू फ्रॉम. सो यू कैन गिव एनी वन ऑफ दिज आंसर्स, और इवन वेन यू आर आस्किंग यू कैन आस्क एनी वन क्वेश्चन विच आई हैव given here. Now let's say if somebody wants to know about your schooling, about where you born, where you brought up, right. So these are the questions usually people ask whenever meet some new person. He wants to know about your educational background, about your schooling, where you born, where you brought up, right. जब भी आप किसी नए आदमी से मिलते हैं तो आपका जो एजुकेशन कहाँ से हुआ है, आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, आप कहाँ पे पैदा हुए थे, आप कहाँ पे बड़े हुए. सो ये सब क्वेश्चंस जनरली हम लोग पूछते हैं. सो लेट्स से यू कैन आस्क वेयर डिड यू हैव स्कूल एजुकेशन, तुम्हारा स्कूल शिक्षा कहाँ मिला था, राइट. वेयर डिड यू हैव स्कूलिंग, तुम्हारा स्कूलिंग शिक्षा कहाँ हुआ था. वेयर वर यू बॉर्न, तुम कहाँ पैदा लिए थे. वेयर वर यू ब्रॉट अप, तुम कहाँ पे लाए गए थे, मतलब बड़े हुए थे. सो यू कैन आस्क एनी वन क्वेश्चन, वेयर डिड यू हैव स्कूल एजुकेशन, वेयर डिड यू हैव स्कूलिंग, वेयर वर यू बर्न एंड वेयर वर यू ब्रॉट अप. एनी वन क्वेश्चन यू कैन आस्क. द एंसर कुड बी, आई हैड माई स्कूल इन बिहार, आई हैड माई स्कूलिंग इन बिहार, आई वॉज बॉर्न इन बिहार, आई वॉज ब्रॉट अप इन बैंगलोर. सो यू कैन गिव एनी वन आंसर. आई हैड माई स्कूल इन बिहार, मतलब मेरी जो पढ़ाई लिखाई बिहार में हुई थी. आई हैड माई स्कूलिंग इन बिहार, मतलब मेरी शिक्षा जो थी वो बिहार में हुई थी. आई वॉज बॉर्न इन बिहार, मैं बिहार में पैदा हुआ था. आई वॉज ब्रॉट अप इन बैंगलोर, मैं बैंगलोर में लाया गया और बैंगलोर में मैं बड़ा हुआ, और वॉट एवर थिंग्स यू हैव डन दैट, राइट. सो आप एक कोई भी एक आंसर बोल सकते हैं इसमें से. एंड ऑल हैज़ नियरली सेम मीनिंग, राइट. बट वाइल स्पीकिंग, इफ यू आर एबल टू स्पीक एनी वन सेंटेंस, विच मीन्स यू आर गुड. नाउ let's say we will go to the other video where you are meeting some new person, or let's say you wanted to have the conversations where you wanted to know about that person family, right. So usually we always get a questions where, could you tell us something about your family, मतलब क्या आप कुछ अपने फैमिली के बारे में बता सकते हैं, राइट. सो यूजुअली पीपल दे आस्क वेन एवर यू मीट अ न्यू पर्सन. सो यू कैन से दैट आई हैव फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, मेरे फैमिली में 5 सदस्य हैं. आई हैव अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, वी वर ज्वाइंट फैमिली, हम लोग संयुक्त परिवार हैं. मतलब आपके पास ज्वाइंट फैमिली है, हम लोग संयुक्त परिवार हैं. आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, मेरे पास 2 भाई और 1 बहन है. My sister is housewife, मेरी बहन गृहिणी है. My brother is engineer, मेरा भाई इंजीनियर है. My father is a businessman, मेरे पिताजी व्यवसायी हैं.
माई मदर इज़ ए स्कूल टीचर, मेरी माता जी स्कूल अध्यापक है। आर्स इज़ ए स्मॉल फैमिली, हम लोग का छोटा परिवार है। आर्स इज़ ए निखिलियर फैमिली, हम लोग का एकल परिवार है। सो दिस इफ़ यू आर एबल टू से दिस विच मीन्स यू आर एबल टू कम्युनिकेट अबाउट योर फैमिली, यदि आप इतना किसी को बता देते हैं विच मीन्स दैट पर्सन विल कम टू नो अबाउट योर फैमिली, राइट? ही विल कम टू नो अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, वॉट इज़ योर ब्रदर इज़ डूइंग, वॉट इज़ योर सिस्टर डूइंग, वॉट इज़ योर मदर डूइंग, वॉट इज़ योर फादर डूइंग, हाउ मेनी ब्रदर्स यू हैव, हाउ मेनी सिस्टर्स यू हैव। यदि आप इतना जान जाते हैं तो ऑलमोस्ट आप किसी को भी अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, मतलब यदि आप इतना जानते हैं तो आप किसी को भी अपना परिचय दे सकते हैं इंग्लिश में। जस्ट आपको ये 5 सेंटेंस जानना है, जस्ट यू नीड टू नो। आप बोलिए, जैसे यदि आप ज्वाइंट फैमिली है तो यू से दैट वी आर ए ज्वाइंट फैमिली। यदि आप न्यूक्लियर फैमिली है, यदि आप लोग अलग अलग रहते हैं तो बोलिए कि इट्स अ न्यूक्लियर फैमिली, राइट? सो अगेन आई विल रिपीट दिस सेंटेंस, आई हैव अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, वी आर ए ज्वाइंट फैमिली, आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, माई सिस्टर इज़ ए हाउस वाइफ, माई ब्रदर इज एन इंजीनियर, माई फादर इज़ ए बिजनेस मैन, माई मदर इज़ ए स्कूल टीचर, आवर्स इज ए स्मॉल फैमिली, आवर्स इज ए न्यूक्लियर फैमिली। इट्स अप टू यू, यू वॉन्ट टू से स्मॉल फैमिली और न्यूक्लियर और ज्वाइंट फैमिली। मतलब यदि आप एक साथ रहते हैं तो आप ज्वाइंट फैमिली बोलो, आपके पास छोटा सा परिवार तो बोलो स्मॉल फैमिली, यदि आप लोग अलग अलग रहते हैं तो बोलिए न्यूक्लियर फैमिली, राइट? सो यदि आप कुछ भी बोल पाते हैं, मतलब आप अपने फैमिली के बारे में किसी को भी समझा सकते हैं, राइट? आप इतना जान गए तो आप आसानी से अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं किसी को भी इंग्लिश में। नाउ हाउ यू शुड डू कन्वर्सेशन, कैसे कन्वर्सेशन करना चाहिए? जब भी आप एक नए आदमी से मिलते हो तो आपको इंग्लिश में बात करना है, आप कैसे बात करोगे, राइट? सो यू कैन स्टार्ट विद दिस लाइक योर नेम प्लीज, स्टार्ट विद द स्मॉल सेंटेंस योर नेम प्लीज। सो लेट्स से द सेकेंड पर्सन इज डैन, ही विल से माई नेम इज़ डैन, राइट? देन अगेन लेट्स से आई एम आस्किंग द क्वेश्चंस, 2 पर्सन्स हियर, आई एम जस्ट पुटिंग इन टू अ कन्वर्सेशंस, वॉट आर यू मिस्टर डैन? द डैन विल रिप्लाई, आई एम एन इंजीनियर, एंड यू मिस्टर भानु? सो भानु विल रिप्लाई, आई एम एन डॉक्टर, राइट? आई एम अ डॉक्टर। सो भानु कैन रिप्लाई, ही इज अ डॉक्टर, राइट? लेट मी रिमूव दिस। सो भानु कैन रिप्लाई दैट ही इज अ डॉक्टर, मीन्स वो डॉक्टर है। सो अगेन भानु इज आस्किंग, वॉट इज योर क्वालिफिकेशंस मिस्टर डैन? सो द डैन विल रिप्लाई, आई हैव डन BSc, राइट? सो भानु इज आस्किंग लाइक आपका क्वालिफिकेशंस क्या है? द डैन कह रहा है कि मैं आई हैव डन BSc, मैंने BSc करी है। डैन वेयर डू यू लिव मिस्टर भानु? द भानु कैन रिप्लाई, आई लिव इन बैंगलोर, एंड यू मिस्टर डैन? आई लिव इन बिहार। डैन यू आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार। सो डैन इज आस्किंग लाइक डैन इज ट्राइंग टू से दैट कि क्या आप बिहार में पैदा हुए थे और बिहार में ही बड़े हुए थे? सो भानु कैन रिप्लाई, आई वॉज बॉर्न इन बिहार बट ब्रॉट अप इन बैंगलोर, मतलब मैं बिहार में पैदा हुआ था लेकिन जो उसके बाद में बैंगलोर में मेरी परवरिश हुई थी। डैन कैन यू टेल मी अबाउट योर फैमिली मिस्टर भानु? सो भानु कैन से दैट, सो डैन इज आस्किंग लाइक आप अपने परिवार के बारे में बताइए। सो भानु कैन से दैट, आई एम ए फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स, राइट? 2 ब्रदर्स 1 सिस्टर, माई ब्रदर इज एन इंजीनियर एंड सिस्टर इज MA, माई फादर इज ए बिजनेस मैन एंड मदर इज ए स्कूल टीचर, राइट? सो यू कैन टेल अबाउट योर फैमिली, यू कैन से दैट हाउ मेनी मेम्बर्स यू हैव इन द फैमिली। एंड सी वेन यू आर टॉकिंग समबडी, इट्स अ कन्वर्सेशन, राइट? इट शुड बी स्वीट ऑलवेज, स्वीट एंड स्मॉल, इट शुड बी स्मॉल एंड स्वीट, इट्स नॉट बी वेरी, वेन यू आर टॉकिंग टू समबडी योर साउंड शुड बी स्वीट साउंड, इट शुड नॉट बी एरोगेंट साउंड, एंड इट शुड नॉट बी, यू शुड नॉट स्पीक टू मच, राइट? यू गिव वेरी शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ। सो यू से दैट, आई एम फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स, 2 ब्रदर्स 1 सिस्टर, माई ब्रदर इज एन इंजीनियर एंड सिस्टर इज MA। सो भानु इज आस्किंग अगेन टू द डैन, वेयर यू हैड स्कूलिंग? सो डैन विल से, आई हैड स्कूलिंग इन बैंगलोर, एंड यू मिस्टर भानु? भानु विल से, आई हैड स्कूलिंग इन बिहार। देन भानु विल आस्क, वॉट इज योर फेवरेट प्लेस मिस्टर डैन? द डैन विल से बैंगलोर, एंड योर मिस्टर भानु? सो भानु विल से बिहार। So that's how you should do a conversation. See, English conversation is very simple. If you are able to follow the person who is asking you the questions, you can always reply in the same sentence just by changing one word, right? So let's say if you are not very good in English, follow the person who is asking you the questions and just reply. So when he is asking you the questions, there'll be always question mark, right? So you need to remove that question mark and you just reply by giving the answers, right? So if you are able to follow, you can reply
ऑलवेज इन द इंग्लिश, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग्स। सो जब भी आप कन्वर्सेशन करो तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, राइट? सो यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो 2 times, 3 times, 4 times, यू ट्राई टू स्पीक आउट, यू ट्राई टू टॉक टू योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, योर पेरेंट्स, योर स्कूल टीचर, राइट? एंड बिलीव मी, यू आर ट्राइंग टू डू दैट विद इन 2 months, यू विल बी एबल टू कॉम्युनिकेट विथ अ कॉन्फिडेंस, राइट? सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड होप यू लर्न सम इंग्लिश सेंटेंस आउट ऑफ दिस वीडियो. Thank you guys, thank you once again.